अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है नगीना साबिर आज हम पढ़ेंगे इको फोर जीरो का लेक्चर नंबर थर्टीन मनी एंड इन्फ्लेशन अ कॉमन मिसपरसेप्शन अ कॉमन मिसपरसेप्शन अबाउट इन्फ्लेशन इज डेट इन्फ्लेशन रियल वेजेस दिस इज थ्रू ओनली इन द शॉर्ट रन व्हेन नॉमिनल वेजेस आर फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स इन द लॉन्ग रन द रियल वेज इज डिटर्मिनेट बाय रेबर सप्लाई एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ रेबर नॉट द प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन रेल वेज को यानी कि मजदूरी को जो वर्कर्स होते हैं उनकी मज़दूरी को अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन जब एक काफ़ी लंबा दराज टाइम होता है लॉन्ग हमारे पास पीरियड होता है तो फिर सप्लाई ही फिक्स करती है रेबर की वेज को द क्लासिकल व्यू ऑफ़ इन्फ्लेशन द क्लासिकल व्यू स्टेट डेट आ चेंज इन द प्राइस लेवर इज़ मेरी आ चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मैयरमेंट क्लासिकल जो वो थे मतलब हमारे इकनॉमिस्ट थे उनका ये कंसेप्ट था कि इसमें जो चेंज है प्राइसेस में ये अगर हम इसे मैर कर इसकी जो यूनिट्स हैं जो मैयर करते हैं हम उनमें चेंज करें तो ये मसला सॉल्व हो सकता है तो इस पर एक क्वेश्चन पैदा होता है सो वाई देन इज़ इन्फ्लेशन अ सोशल प्रॉब्लम नेक्स्ट है द सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की सोशल कॉस्ट uh, क्या होती है द सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल इनटू टू कैटेगरीज इसकी टू कैटेगरीज़ हैं कोस्ट व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड अब क्या होता है कि एक वो कॉस्ट होती है जब हम इन्फ्लेशन को क्या करते हैं एक्सपेक्टेड करते हैं हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आज ब्रेड हमारी टेन रुपीज़ की है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर टू मंथ्स ब्रेड कितने की होगी ट्वेल्व रुपीज़ की होगी एडिशनल कॉस्ट व्हेन इन्फ्लेशन इज़ डिफरेंट देन पीपल हैड एक्सपेक्टेड एक होती है एडिशनल कॉस्ट इन दोनों में डिफरेंस uh, ये है कि एक तो हमने एज्यूम कर लिया हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि आफ्टर टू मंथ्स ब्रेड होगी ट्वेल्व रुपीज़ की लेकिन अगर ब्रेड हो जाते फिफ्टीन रुपीज़ की जो थ्री रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है उसे क्या कहेंगे एडिशनल कॉस्ट कहेंगे नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, शू लेथर कोस्ट अब क्या है इसमें हम देखेंगे दिस इज द कॉस्ट एंड इनकन्विस ऑफ रिड्यूसिंग मनी बैलेंसेस टू अवॉइड द इन्फ्लेशन टैक्स यहाँ पे ये जो पाई शो कर रहा है ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है आई इंटरेस्ट को शो कर रहा है अगर क्या होंगे ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो रियल मनी बैलेंसेस क्या होंगे डिक्रीज होंगे रिमेंबर इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट रियल इनकम और रियल स्पेंडिंग सो सेम मंथली स्पेंडिंग बट रोवर एवरेज मनी होल्डिंग्स मीन्स मोर फ्रीकुंट ट्रिप्स टू द बैंक टू विदड्रॉ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कैश लंबे टाइम के लिए क्या होता है कि इन्फ्लेशन के असरात इनकम पे कम हो जाते हैं इनकम पे कम किस तरह हो जाते हैं कि इंसान एक तो मैनेज करना सीख जाता है इन्फ्लेशन को और एक वो उसी लिहाज से अपने बिज़नेस को भी मैनेज करना सीख जाता है मेन्यू कोस्ट अब क्या होती है एक मेन्यू कोस्ट हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है ज़ाहरी अगर आप होटल्स में देखें तो क्या होता है उन्हें अपने मेन्यू प्रिंट करना पड़ता है फॉर एग्जांपल अगर वो एक साल बाद मेन्यू प्रिंट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन की वजह से उन्हें टू थ्री मंथ्स आफ्टर उन्हें मेन्यू प्रिंट करना पड़े तो प्रिंट के जो उन्हें प्रिंट के लिए पे करना पड़ेगा कैटलॉग अगर उनका ऑनलाइन बिजनेस है वो कैटलॉग बार बार चेंज करेंगे तो द हायर इज़ इन्फ्लेशन द मोर फ्रिक्वेंट्री फार्म मस्ट चेंज दियर प्राइसिज़ एंड इन कर दिज कॉस्ट जब वो अपने प्राइजिज़ फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो उन्हें इसकी कॉस्ट भी क्या करनी पड़ेगी बियर करनी पड़ेगी टिव प्राइज डिस्टोरशंस अब ये क्या है फर्म्स फेसिंग मेन्यू कोस्ट चेंज प्राइजि इन फ्रीकुनट्री फर्म्स को फेसिंग करनी पड़ती है मेन्यू कोस्ट के वो मेन्यू प्राइजिज चेंज करें फॉर एग्जाम्पल स्पोज द फर्म इशूज न्यू कैटालाग इच जनवरी ये फोई एग्जाम्पल उन्होंने बयान किया जो मैंने अभी आपको बता दिया विच कास इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन एफिसेंसीज इन द एलुकेशन ऑफ रिसोर्स रिसोर्स को अगर हम इन सी तौर पे यूज करेंगे तो ये मसाइल होंगे इन्फ्लेशन के और उसकी वजह से फिर आपको हायर कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट सम टैक्सेस आर नॉट एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन सच एज द कैपिटल गेंस Tax for example on 1 1 2001 you bought um, uh, one lakh worth of ABC stock on 12 2001 you sold the stock for 110,000 so your nominal capital gain 10,000 suppose um, uh, suppose inflation 10% in 2001 your real capital gain is zero but the give but the government requires you to pay tax. ट योर टन ऑन योअर नोमिनल गेन अब क्या है इसमें ये बात है कि अगर हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं एक साल पहले और हम उसे एक साल बाद उसे मतलब एक साल बाद um, हमें वो मिल जाते हैं मतलब उस पर हमें गेन हम रिसीव कर लेते हैं तो एक लाख दस हज़ार जो हमें मिले हैं लेकिन अगर उस साल का इन्फ्लेशन रेट टेन परसेंट था तो वो टेन परसेंट तो हमें यानी कि टेन परसेंट उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो गई है हमारे पैसे की कि एक लाख का फॉर एग्जांपल हम एक साल पहले एक फ्रिज लेते थे लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से वही फ्रिज एक लाख दस हज़ार का हो गया तो दस तो उसकी वैल्यू कम हो गई है तो अब हम इस पर अनफेयर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते जर्नर इनकनवेंसिस इन्फ्लेशन मेक्स इट हार्डर टू कंपेयर नॉमिनल वैल्यूज़ फ्राम डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिस कॉम्प्लिकेट्स लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल प्लानिंग अब इसमें क्या है कि क्या चीज़ होती है हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का मुश्किल का सामना करना पड़ता है एक्सपर्ट्स को जब वो प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मंथली बेसिस पे आपकी क्या हो रही होती है महंगाई हो रही होती है तो जिस तरह कंस्ट्रक क्शन करनी आपने किसी बिल्डिंग को तो आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि दो साल में इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इतनी मनी रिक्वायर्ड है लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आप सही से एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे एज्यूम नहीं कर सकेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट्स so होगी आपके लिए प्लानिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन अडिशनल कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये एम सी क्यूज के लिहाज से ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट आपने इसे मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपने टू थ्री टाइम्स इसे रीड करना है रेड पेंसिल ले कर और आपने इसे टिक करते जाना है आर बिट्रे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग पावर मैनी रॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इंडेक्स इंडेक्सटेड बट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इफ इन्फ्लेशन टर्नस ये पाई को मैं क्या पढ़ रही इन्फ्लेशन को ये शो करता है डिफरेंट फॉर्म इन्फ्लेशन दैन सम गेन एट अदर्स एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल्स बोरोज एंड ब्लैंडर्स अब यहाँ पर आपने इसे अंडरलाइन भी कर लेना है एम सी क्यूज शॉर्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज जब हमारी ये वाली जो हमारी पाई है ना ये शो कर रही है एक्चुअल इन्फ्लेशन को और ये पाई शो करे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को ये असल जो इन्फ्लेशन होगा आफ्टर टू मंथ्स और ये है जो हमारे ब्रेन में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये वाला एक्चुअल ज़्यादा होता है तो किसे बेनिफिट होगा देन परचेजिंग पावर इज़ ट्रांसफर ट्रांसफर्ड फ्राम रेंडर्स टू बोरोज बोरोज़ को फ़ायदा होगा फॉर एग्जांपल मैंने उधार लिया है बैंक से अपना घर बनाने के लिए एक लाख रुपया मैंने उधार लिया है अगर उस पर टेन परसेंट क्या है उस पर मुझे टेन परसेंट उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को और इन्फ्लेशन उस साल है सेवन परसेंट तो क्या होगा जब मैं एक साल बाद रिटर्न करूंगा बैंक को एक लाख तो मैं उसे एक लाख दस हज़ार दूँगा इंटरेस्ट लेकिन जो सेवन थाउजेंड हैं वो तो इन्फ्लेशन की वजह से उसे एक लाख की वैल्यू कम हो गई अब उसकी वैल्यू है नाइन्टी थ्री थाउजेंड इस वजह से जो लैंडर्स होते हैं बैंक्स होते हैं या कोई पर्सन होते हैं उन्हें क्या होता है नुकसान होता है और फ़ायदा किसे होता है बोरोज को अदरवाइज़ अगर एक्चुअल जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो लेस देन हो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से देन परचेजिंग पावर इज़ ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम बोरोज़ टू लैंडर्स फिर क्या होगा अगर एक्चुअल यानी कि बैंक्स भी एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना मतलब इन्फ्लेशन के क्या असर होंगे अगर इन्फ्लेशन के मतलब जो असरात हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से क्या हो होगी अगर कम होगी तो फिर क्या होगा फिर रेंडर्स को क्या होगा फ़ायदा होगा एडिशनल कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज अनसर्टेंटडी व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है तो बेयकिनियत पाई जाती है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है लोगों को मसला मसाइल होते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं इट्स मोर वेरिएबल एंड अनप्रिक्टे अनप्रिक्टेबल इसे हम प्रिक प्रीडिक्ट करने से टफ होता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टर्नस आउट डिफरेंट फॉर्म एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मोर ऑफन एंड द डिफ्रेंसिज टू बी लार्जर दिस क्रिएट्स आयर हायर अनसर्टेंटी विच मे मेक्स रिस्क अवर्स पीपर वर्स ऑफ यानी कि इसमें यह बात छोटी सी उन्होंने बताई है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो पिपर अवर्स रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं तो वो बेचारे क्या हो जाएंगे वर्स ऑफ हो जाएंगे वो और भी ज़्यादा ख्याल करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का वन बेनिफिट यहाँ बताया गया नॉमिनल वेज आर रेली रिड्यूस्ड इवन वेन दिक्वीरियम वेज फॉल्स इन्फ्लेशन अलाउज़ द रेलवेज टू रिच इक्वेबीरियम यानी कि रेलवेज क्या होंगी कुछ टाइम तक हम जैसे इन्फ्लेशन आता है जिन लोगों की जैसे सरकारी वर्कर्स हैं उनकी जो पे होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है जब इन्फ्लेशन फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम all the costs of moderate inflation described above become hug under hyperinflation. money uh, ceases to function as a store of value and may not serve its other functions. people may conduct transactions with barter or a stable foreign currency. वाई कासिस हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का क्या कास है ये भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से लेक्चर इम्पोर्टेंट है हाइपर इन्फ्लेशन इज़ काज बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ सबको पता है कि अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रिंट करेगी मनी को तो हाइपर इन्फ्लेशन होगी वाई गवर्नमेंट क्रिएट हाइपर इन्फ्लेशन क्यों वो हाइपर इन्फ्लेशन को क्रिएट करते हैं अ गवर्नमेंट कैन्ट रेज टैक्सेस और सेल बाउंड जब वो अपने टैक्सेस को रेज नहीं कर सकती इट मस्ट फाइनेंस स्पेंडिंग इंक्रीज बाय प्रिंटिंग मनी जो वो अपने अपने, अपने अखराज बर्दाश्त करने के लिए प्रिंट कर देती है मनी को इन थ्योरी द सॉल्यूशन टू हाइपर इन्फ्लेशन इज सिंपल स्टॉप प्रिंटिंग मनी के एक्स्ट्रा मनी वो प्रिंट करने को हमें स्टॉप करना होगा इन द रेल वर्ड दिस रिक्वायर्स ड्रेस्टिक एंड पेनफुल फिस्कर रेस्टोरेंट वर्ल्ड में इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं महंगाई होती है रोज़गार में मसला होता है इसलिए इसे हमें स्टॉप करना चाहिए और ये स्टॉप एक ही तरह से हो सकता है हम जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम मेहनत करें अपने काम को अपने दिन को ज़ाया ना करें स्टडी भी तोज्जह से करें और साथ से साथ हमें अपना दिमाग बिज़नेस वाला बनाना चाहिए कुछ करने का सोचना चाहिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया